सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत NH3 हाईवे पर दीवरी गौशाला पर मिर्ची बाबा के आंदोलन के लिए रवाना होने से पहले ही उनके कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर दी। फिर पुलिस ने आंदोलन स्थल से ही पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया। मिर्ची बाबा ने बताया कि मेरी गुंडों ने मारपीट की है, परंतु मैं गौ माता की रक्षा के लिए, मुझे मौत भी मंजूर है, परंतु मैं पीछे नहीं हटूंगा। गौ माता की रक्षा के लिए मुरैना की जनता मेरे साथ है। मिर्ची बाबा की मारपीट को लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हमको कितना मारा पीटा जा रहा है तब कोई नहीं सुनता है। हमारी देखिए कैसे पुलिस वाले हमको ले जा रहे हैं। हमारी गौ माता की आवाज कर रहे हैं, गुंडा हमें मार रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये देखिए हमको पुलिस वाले कहाँ ले जा रहे हैं। चलो चलो चलो, आपके साथ किसने मारपीट की है? मैं ग्वालियर में भी कई बार प्रशासन को सूचना दे चुका हूं, यहां भी सूचना दी है, गौ माता की आवाज़ उठा रहा हूं। मुरैना हाईवे पे कई गुंडों ने मेरी गाड़ी रोक ली और रोक करके पेट्रोल डाल करके आग लगा रहे थे। वो तो कुछ लोगों ने वहां बचाया, मेरे तीनों फोन ले गए, मैंने पहचान नहीं पाया ये लोग कौन थे। लेकिन मैं गौ माता की लड़ाई मरते दम तक लड़ूंगा। कल मेरी मौत होती हो आज हो जाए, और मुरैना की समस्त जनता पर मुझे विश्वास है कि भारत के सन्यासी को इस तरीके से नहीं मरना, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया। केवल गौ माता की आवाज उठा करके अगर ये गुंडे मुझे मारना चाहते हैं तो मैं मर कर के भी लड़ाई लड़ूंगा, जिंदा से लड़ाई लड़ूंगा। राजकुमार कुशवाहा, आपके साथ और कौन कौन थे? मेरे साथ में जो बच्चे थे सबके लोल आ रहा है, सबके खून आ रहा है, और एक बच्चे की आंख भी फूट गई है। क्या कुछ हथियार लेकर उन्होंने हमला किया था क्या बाबा? रिवाल्वर तीन कट्टे थे और मेरे तीनों फोन चिड़ा ले गए। कौन लोग थे बाबा, कुछ आपको अनुमान? हमारा उनसे कोई पहचान नहीं है, बस गुंडे थे हम जानते।